हाय स्टूडेंट, तो आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री का 8.3 एक्सरसाइज। तो इससे रिलेटेड पहले हम लोग देखते हैं कुछ फॉर्मूलाज जो हमें इसमें यूज होंगे। तो फॉर्मूलाज क्या बोलता है कि साइन 90 माइनस थीटा इजक्वल टू कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इजक्वल टू साइन थीटा, sec 90 माइनस थीटा इजक्वल टू cosec थीटा, एंड cosec 90 माइनस थीटा इजक्वल टू sec थीटा। उसके बाद आते हैं tan, एक मिनट, तो देख रहे थे tan 90 माइनस थीटा इजक्वल टू cot थीटा, एंड cot 90 माइनस थीटा इजक्वल टू tan थीटा। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला है जो हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो हम पहले यही बोलेंगे कि आप लोग नोट्स वगैरह निकालिए और उसको नोट करना शुरू करिए, एक एक करके क्वेश्चन भी सोल्व करते हुए चलेंगे एक्सरसाइज में जो हमारा है एनसीईआरटी का। तो इसको पहले आप लोग नोट निकालिए और नोट करिए, हो गया नोट। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से जो एक्सरसाइज का 8.3 का। तो एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन के अनुसार लेकर चलते हैं। फर्स्ट देखते हैं, तो हमारा बोल रहा है कि साइन 18 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 72 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा, ये हमें इवेलुएट करने के लिए दिया है। तो कोई नहीं, ऊपर या नीचे में से आपको जो भी लगे उसको एक को चेंज कर लीजिए, इजीली हो जाएगा। हमारा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ ही है, तो हम किसी को भी चेंज कर लेते हैं। चलिए हम ऊपर वाला को ही चेंज करते हैं। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन को कि साइन 90 माइनस 72 डिवाइड बाय कॉस 72। अगर आप गौर से देखें कि साइन 90 माइनस 72 करते हैं तो साइन कितना बचता है, साइन 18 डिग्री ही है, और वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है, कोई चेंज नहीं किया है, ठीक है। अब इसको जब हम चेंज नहीं किए हैं तो साइन 90 माइनस थीटा, ये हमारा पहला ही फॉर्मूला है, क्या बोलता है कि ये जो ये रहता है वहीं पे थीटा यहाँ लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया कोस थीटा। तो कोस थीटा के जगह पे क्या है 72 डिग्री है, और उसके बाद क्या है हमारा कोस 72 डिग्री है। अब दोनों हम लोग क्या जानते हैं कि कट जाएगा तो क्या बचा 1, यही हमारा इसका आंसर हो गया, हो गया। सेकेंड में देखते हैं, सेकेंड बोल रहा है कि कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो सेम है, आपको जो लगे जिसको दिल करता है चेंज करने का चेंज कर लीजिए इसी फॉर्मेट में, हमारा फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है। तो इस बार हमने साइन को चेंज किया था, इस बार हम कॉस को चेंज करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। देखते हैं तो कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। कॉस 90 माइनस 42 करेंगे तो क्या बचेगा, 48 ही बचेगा, और माइनस साइन 42 डिग्री। तो कॉस 90 माइनस थीटा, देखिए क्या लिखा है फॉर्मूला, कॉस 90 माइनस थीटा क्या आया है साइन थीटा, और थीटा के जगह पे क्या है 42 डिग्री एंगल है, तो ये हमारा हो गया साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। सेम दोनों प्लस और माइनस हो रहा है तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर देखते हैं, सॉरी ये थर्ड नंबर था, अब सेकेंड नंबर देखते हैं, माई मिस्टेक, सेकेंड देखते हैं। सेकेंड बोल रहा है tan 26 डिवाइड बाय cot 64 डिग्री। सेम, आपको जो दिल करे नीचे का चेंज करने का दिल करे नीचे का करिए, ऊपर का करने का है तो ऊपर का कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम नीचे का कर देते हैं इस बार। तो इसको करते हैं तो क्या हो जाए, tan 26 ही रहने देते हैं, नीचे चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा कॉट 90 माइनस 26 होगा, 64 होगा, जब माइनस करेंगे 90 माइनस 26 तो ये हमारा 64 ही आता है, ठीक है। तो सेम ही है लिखा हुआ, तो मतलब है कि इसको अगर हम लिखे यहाँ पे तो tan 26 डिग्री, सॉरी tan 26 डिग्री डिवाइड बाय cot 90 माइनस थीटा, क्या लिखा है देखते हैं फॉर्मूला, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा लिखा है, तो tan और थीटा के जगह पे क्या रहा है 26 डिग्री, 26 डिग्री कट के क्या गया 1, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का,
जो हमारा है क्वेश्चन नंबर इसमें 4 दिया हुआ है, cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री, है ना। सेम है, आपको जिधर से भी चेंज करना है कर लीजिए। जैसे इसमें हमने फर्स्ट चेंज करके दिखाया था, अब इसमें हम लास्ट चेंज करते हैं। आपकी अपनी जैसे लगे वैसे चेंज करिए, सब एक ही है। तो हम पहला छोड़ देते हैं, लास्ट चेंज करते हैं। तो ये क्या है, cosec 31 माइनस, अब इसको क्या लिख सकते हैं, sec 90 माइनस 31 लिख सकते हैं। 31 इसमें से माइनस करेंगे तो 59 ही बचेगा, ठीक है। तो इसको करते हैं चेंज। अब cosec 31 डिग्री माइनस sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा हमारा ये फॉर्मूला है, तो क्या बोल रहा है, cosec थीटा, cosec हो गया, cosec थीटा के जगह पे 31 है, 31 डिग्री, तो ये दोनों प्लस माइनस माइनस होकर जीरो आ गया। तो ये ही हमारा इसका पूरे का सोल्यूशन हो गया। बाय मिस्टेक हमने पहले थर्ड कर दिया था, लेकिन ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड ये फोर्थ है। इसको आप लोग नोट करिए बढ़िया से, या हम तो बोलेंगे पहले सेल्फ से ट्राई करिए, उसके बाद आप देख ही चुके हैं। डाउट हो फिर से आप वीडियो को पॉज करके रिज्यूम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो नोट करिए, हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट में बोलता है, सेकेंड का फर्स्ट बोल रहा है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इजकल टू 1। ये हमें प्रूव करने के लिए दिया हुआ है। तो जब प्रूव करना होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, LHS या RHS दोनों मिलाते हैं कि होता है या नहीं होता है। तो हम LHS पहले ले लेते हैं। LHS डेट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड का, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा दिस वन है, RHS हमारा वन है। तो LHS लिए tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, है ना। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, दो को आपको जो लगता है इधर से या उधर से, दो को आप चेंज कर लो। तो चेंज करते हैं, तो हम किधर से करें, इधर से ही कर देते हैं चेंज। तो tan इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। tan 90 माइनस 42 करेंगे तो 48 होगा, ठीक है। अब tan इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 67 लिख सकते हैं, 67 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 23 ही बचेगा, इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये tan का फॉर्मूला हमें यूज करना है कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो ये cot और थीटा के जगह पे क्या है, 42 लिख दिए हैं। tan 90 माइनस थीटा फिर अब क्या हो जाएगा, cot ही हो जाएगा और 67 हो जाएगा, इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री होगा, ठीक है। अब एक फॉर्मूला एक है जो और यहाँ पर हम लिख देते हैं, बोलता है कि tan थीटा इजकल टू होता है 1 बाई cot थीटा, या इधर लिख देते हैं cot थीटा इजकल टू हम लिख सकते हैं 1 बाई tan थीटा, एज विश जिसको भी आप चेंज कर सकते हो। तो उसी फॉर्मूला को हम यूज कर लेते हैं इसमें। तो इसको करते हैं, तो यह हो जाएगा हमारा, ऊपर आ जाएगा tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, और ये डिवाइड में हो जाएगा cot 42 डिग्री, सॉरी cot नहीं, अभी cot को हम tan में चेंज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब गौर से देखते हैं, ऊपर नीचे दोनों इक्वल ही है, तो कट के क्या आ गया 1, और 1 हमारा यहाँ पे क्या है, RHS में है, इक्वल टू RHS, तो इसीलिए लिख देंगे LHS इजकल टू RHS। और जब भी हम प्रूव करने का देता है तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारा ये प्रूव्ड हो गया है, ठीक है। तो इसको नोट करिए पहले, हो गया, ठीक है। देखते हैं टू का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमें क्या बोलता है कि cos 38 डिग्री
38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इजकल टू जीरो, है ना। सेम फिर से हमें प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि दिस इजकल टू जीरो होता है, ये हमें प्रूव करना है, कोई बात नहीं है। फिर से वही सही करेंगे जैसे हम लोग कर रहे थे। तो पहले LHS ले लेते हैं। तो LHS क्या है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, है ना, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करते हैं कि इसमें से एक को चेंज कर देते हैं और इसमें से भी एक को चेंज कर देते हैं। ऐसा चेंज करेंगे कि एंगल हमारा दोनों का इक्वल ही होना चाहिए, है ना। तो हम इसको चेंज कर देते हैं इधर से और इधर से एक, ना, हाँ। तो इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 52 इजकल टू 38 डिग्री होगा, ठीक है, इंटू cos 52 डिग्री ही छोड़ देते हैं, है ना, माइनस। अब इसमें से एक को हम चेंज करते हैं तो 52 तो इसको हम यहाँ पे कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 52 इंटू साइन 52 होगा, है कि नहीं। तो इसको लेकर चलते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है सेकेंड वाला। तो साइन हमारा क्या हो गया, साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री होगा, ठीक है, माइनस। अब इधर से करते हैं तो साइन 90 माइनस थीटा, देखिए कॉस थीटा है तो कॉस एंगल की जगह पे क्या है 52 है, और इंटू साइन 52 डिग्री होगा। अब गौर से देखते हैं, ये दोनों हमारा सेम ही है तो ये दोनों कट के क्या हो जाएगा, इजिकल टू जीरो। और यही हमारा RHS भी है, तो डेट मीन्स कि LHS इजिकल टू क्या रहा है, RHS, और यही हमारा प्रूव करना था, है ना। तो नोट करिए इसको, बढ़िया से नोट करिए वीडियो को पॉज करके, और मैं तो पहले बोलूँगा सेल्फ से आप ट्राई करिए, नहीं होगा तो फिर से वीडियो को देख लीजिए, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन को आप लोग अगर बुक है तो निकाल कर एक बार जरूर पढ़िए। तो बोल रहा है कि tan 2a इजकल टू 3 नंबर, tan 2a इजकल टू cot a माइनस 18, a माइनस 18 डिग्री, जहाँ पे ये बोल रहा है कि वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट का मतलब होता है जो 90 से लेस होता है। तो वैल्यू हमें किसका फाइंड करना है, a का वैल्यू क्या बोल रहा है फाइंड करने के लिए। कोई नहीं, कर देते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। अब गौर से देखते हैं, यहाँ पे tan 2a है, यहाँ पे cot a माइनस 18 है, है ना। तो इसको हम चेंज कर देते हैं cot में, तो इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a। गौर से देखते हैं cot 90 माइनस 2a, cot हमारा यहाँ पे cot 90 माइनस थीटा क्या बोल रहा है, tan थीटा ही होता है, और जहाँ पे जो एंगल होता है वही हम यहाँ पे लिखते हैं, तो दोनों सेम ही है, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि cot a माइनस 18 डिग्री, है ना। अब देखते हैं दोनों तरफ cot है तो cot कट जाएगा, तो बचा क्या, 90 माइनस 2a इजकल टू a माइनस 18 डिग्री होगा, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर मूवमेंट करा लेते हैं, तो -90 और ये इसको 18 को इधर लाते हैं, तो 18 डिग्री इजकल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 2a होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो रहा है कि 3a इजकल टू 108 डिग्री होगा, तो a इजकल टू क्या हो जाएगा 108 डिग्री डिवाइड बाई 3, डेट मीन्स कि 36 डिग्री, और यही का वैल्यू तो हमें फाइंड करने के लिए बोला था, है ना। 36 डिग्री आया, एक्यूट एंगल भी बोल रहा था, उसके अनुसार भी आ गया। तो इसको आप लोग नोट करिए, लेकिन हम बोलेंगे कि जब एक बार देख रहे हैं तो देख लीजिए, उसके बाद सेल्फ से ट्राई करिए, ठीक है। जितना सेल्फ से आप क्वेश्चन करोगे उतना आपका फॉर्मूला आपको ध्यान में रहेगा, आप सेल्फ मतलब बहुत स्पीड आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको आप देखिए,
हम देखते हैं कि नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि टेन ए इज इक्वल टू कॉट बी, टेन ए इज इक्वल टू कॉट बी, और साथ में बोल रहा है कि प्रूव करना है, प्रूव डैट ए प्लस बी इज इक्वल टू है 90 डिग्री। ये हमें प्रूव करने के लिए दिया है कि टेन ए इज इक्वल टू कॉट बी और ए प्लस बी 90 डिग्री है, हमें प्रूव करने के लिए बोला है। कोई बात नहीं, शुरू कर देते हैं, जो गिवन है उसी से शुरू करते हैं। तो गिवन सॉल्यूशन लिख देते हैं इसका। गिवन में क्या दिया है कि टेन ए इज इक्वल टू क्या है, कॉट बी दिया है। इसमें किसी एक को चेंज कर लीजिए जैसे आपको दिल करे वैसे, चाहे टेन को या कॉट को, एज यू विश। तो हम इधर से ही चेंज कर देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं टेन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट बी, लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि 90 माइनस ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट ए, नहीं सॉरी कॉट में ही करेंगे ना, कॉट में हम लिख देते हैं कि कॉट 90 माइनस ए, दिस वन देखिए, कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू टेन ए होगा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन ही है, एक थीटा के जगह पे क्या है यहाँ पे ए दिया हुआ है, सेम होगा। तो कॉट कॉट बहुत साइड है, तो क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या बचे जाएगा, बी बचेगा। तो ये ए को हम उधर कर देते हैं, तो 90 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, और गौर से देखते हैं, यही तो हमें प्रूव करना था कि ए प्लस बी हमारा क्या है, 90 डिग्री है ना। तो बहुत ईजी है ये, हो गया होगा, नोट किया हुआ हुआ। इसी में हम 5 नंबर क्वेश्चन भी कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस 20 डिग्री। इसके बाद और कुछ बोल रहा था क्वेश्चन में कि फिर 4 इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मतलब हमारा क्या दिया है कि 4a जो है क्या है, एक्यूट एंगल है, तो a का वैल्यू हमें क्या बोल रहा है, फाइंड करने के लिए। ठीक है, कोई नहीं, सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। तो गिवन जो है दिया हुआ उसी से शुरू करते हैं। गिवन में क्या दिया हुआ है, सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री है ना, a माइनस 20 डिग्री है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको चेंज कर लेते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर का जो किया था वैसे ही सेम यही है। आप लोग खुद से एक बार वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन करिए तो हो जाएगा, हो जाएगा यार, बहुत इजी है सब, आप करते चलो। फिर भी मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ, इसको हम चेंज कर देते हैं कोसेक के फॉर्मेट में। तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 है ना। देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा ही होता है, यहाँ पे है हमारा कोसेक 90 माइनस थीटा क्या है, सेक थीटा है। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये हम लिख सकते हैं, जब यहाँ कोसेक है ये भी कोसेक कट जाएगा, तो बचे क्या 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री होगा। ठीक है, इधर कर देते हैं, तो इधर ही करते हैं, तो हम 20 को इधर ले आते हैं, 4a को उधर कर देते हैं, तो 90 प्लस 20 मतलब 90 प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू a प्लस 4a होगा। तो ये हमारा हो गया 4a प्लस 1a, 5a इज इक्वल टू क्या हो गया, 110 डिग्री। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 110 और डिवाइड बाय 5, तो 5 टू जाए 22 डिग्री, यही तो आंसर हो गया इसका, है ना। तो इसको आप बढ़िया से पहले नोट करिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, और हो सके तो सेल्फ से ट्राई करिए, मेरे ख्याल से तो वो ठीक रहेगा, बाद में आप लोग वीडियो देख ही सकते हैं।
हो गया ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हम पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, आप भी पढ़ लीजिए एक बार बुक से है तो। देखिए बोल रहा है क्या कि इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी देन सो दैट साइन बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2 होता है ना। कोई नहीं, तो हम लोग क्या जानते हैं कि ट्रायंगल का, कोई भी ट्रायंगल का तीनों एंगल जो होता है वो हमारा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो लिख देते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना डिग्री है, 180 डिग्री होता है ना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें प्रूव करना है बी प्लस सी, तो हम बी प्लस सी इज इक्वल टू इसको एक इधर भेज देते हैं तो क्या बचेगा, 180 डिग्री माइनस ए होगा। ठीक है, अब हम दोनों तरफ बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं 2 से, लिख देते हैं हम डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, तो 2 से डिवाइड किए तो क्या बना, बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए डिवाइड बाय 2 होगा। ठीक है, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री डिवाइड बाय 2 तो 90 डिग्री माइनस ए बाय 2 होगा। ठीक है, अब हम बोथ साइड क्या कर रहे हैं, साइन ले लेते हैं, तो लिख देते हैं टेकिंग बोथ साइड्स बाय साइन, तो साइन लेते हैं बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, साइन b प्लस सी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये साइन 90 माइनस ए बाय 2 होगा। ठीक है, तो होगा ऐसा, तो दिस ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और थीटा के जगह पे क्या है, ए बाय 2 है, तो ये हो गया हमारा कॉस ए बाय 2, और ये क्या रह गया, साइन b प्लस सी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू दिस, यही तो हमें प्रूव करना था, देखिए बुक में है ना, तो बहुत इजी होता है सब, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, क्वेश्चन नंबर 7 को हम एक बार पढ़ते हैं। बोलता है कि एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45। दैट मींस कि इसको हमें जो क्वेश्चन दिया है कि एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री ऐसा एक्सप्रेस करना है कि हमारा साइन साइन भी रहे, कॉस भी रहे, लेकिन हमारा जो एंगल है वो 0 से 45 के मिड में ही आना चाहिए। कोई नहीं, देख लेते हैं, तो क्वेश्चन दिया है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, अब इसको हमें चेंज करना है वैल्यू को 0 टू 45 एंगल के मिड में लेकर आना है। कोई नहीं, दोनों को चेंज कर दीजिए एक ही साथ, तो दोनों को चेंज करते हैं तो क्या होगा, इसको लिखते हैं साइन 90 माइनस 223 साइन 23 90 माइनस 23 करेंगे तो क्या बचेगा, 67 बचेगा। ठीक है, अब इसको करते हैं तो कॉस 90 माइनस कितना करेगी 75 होगा 15 डिग्री। अभी लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना, तो कॉस 23 डिग्री, थीटा के जगह पे हमारा 23 है तो 23 प्लस, अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, देखिए ये वाला है ना, दोनों यही है, तो क्या बचा, साइन थीटा के जगह पे क्या है 15 डिग्री। अब गौर से देखते हैं, यहाँ पे क्या था साइन कॉस, तो यहाँ पे भी क्या है, साइन कॉस प्लस में ही है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 15 डिग्री प्लस कॉस 23 डिग्री। देखिए तो साइन और कॉस के टर्म में है दोनों, कुछ चेंज हुआ है नहीं हुआ। अब गौर से देखते हैं एंगल दोनों का क्या है, 15 प्लस 23 कितना होता है 38, तो 38 देखिए कितना है, 0 से 45 के बीच में है ऐड करने पर, तो यही हमारा इसका सोल्यूशन हो गया है ना। तो इसको आप बढ़िया से नोट करिए,
मैं तो यही बोलूँगा कि आप लोग सभी वीडियो को आप जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं पहले जो भी हमारा फॉर्मूला है वो देख लीजिए, जस्ट अब रिवर्स होता है, साइन का कॉस, कॉस का टेन, सॉरी कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का सेक, कॉटेक, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, जस्ट रिवर्स होता है 90 में हम अगर कन्वर्ट करते हैं तो, क्योंकि अभी यही है, बहुत ईजी है आप लोग को अभी आप ही के लिए पर्सनली, तो इसको आप बढ़िया से करिए, अपने फ्रेंड लोगों के साथ इसको शेयर करिए, कोई डाउट हो कमेंट्स बॉक्स में डालिए, हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे जरूर, ठीक है, थैंक यू।